जय हिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले दूसरे ODI मैच की। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सब लोग ये जानना चाहते होंगे कि पहले ODI में आखिर हमारी टीम ने प्रदर्शन क्या किया, राइट? बिकॉज जिस भी यूट्यूबर की आप वीडियो देख रहे हो या उसकी वीडियो के बेस पर आप उसकी टीम को फॉलो करना चाहते हो, तो एटलीस्ट आप उसका पिछला प्रदर्शन ज़रूर देखना चाहोगे। इनफैक्ट देखना चाहिए, क्यों? हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। जो बंदा खुद नहीं जीत रहा वो आपको क्या जिताएगा? वेरी सिंपल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, पिछले मैच में केवल आधा सेकंड आपका लगेगा दोस्तों, आधा मिनट लगेगा कि हमारी पिछली टीम ने क्या प्रदर्शन किया था। तो ये टीम थी दोस्तों जो आपको हेड टू हेड की 8 मिनट पहले टेलीग्राम पर दी गई थी या व्हाट्सएप पर दी गई होगी, मेरे ध्यान में नहीं अभी इतना। तो ये देखिए, इस टीम में आपको थोड़ा सा बड़ा करना चाहेंगे हम इसे ताकि आप ध्यान से देख सकें। ये तो ऐसी हो जाएगी ना। हाँ, इस टीम में आपको राहुल चले थे, 50 लगी थी उनकी, वो हमारी टीम में है। गायकवाड़ हमारी टीम में है, शुभमन गिल टीम में है और कैप्टन भी है, स्टीव स्मिथ है, यहाँ तक कि डेविड वार्नर है और नीचे जो भी चले हैं जो शमी वगैरह वो सारे टीम में है। लेकिन इस टीम के पॉइंट्स देखिए 865, जबकि बात करें दोस्तों, इसको बड़ा करते हैं, जो विनिंग टीम थी उसके पॉइंट्स लगभग आप लगाइए 700 के आसपास आए होंगे, 700 के आसपास आए होंगे। मींस टू से अगर आपने इसके साथ खेला होगा तो आप हार गए होंगे। ये बंदा बहुत तगड़ा था, अगर इसके 766 पॉइंट्स आए हैं तो ये बंदा बहुत तगड़ा है। वो तो इसकी किस्मत ख़राब थी कि इसका पल्ला UDCR से पड़ गया है ना। अगर इसका पाला मुझसे ना पड़ता तो ये डेफिनेटली जीत गया था, है ना। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जो बंदा लैंडस्लाइड विक्ट्री कर रहा है वो आपको कितनी तगड़ी टीम देखे जा सकता है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, ना केवल दोस्तों वह क्या नाम है इसका, ये सीरीज चल रही है, नहीं, बल्कि एशिया कप दोस्तों, एशिया में भी हमारी बात शायद कायम है। सिराज फाइनल में चला था, अपना कैप्टन था, राइट। उसके पहले हमारी एक टीम 1000 पॉइंट्स देखेगी हेड टू हेड की, जिसमें शुभमन गिल का शायद शतक था, हमारा VC था, साकिब थे, जो भी चले थे बंदे सब अपने शार्दुल को कोई नहीं ले रहा था, मैंने डायरेक्टली टीम में ऐसे ही ले लिया मैंने। हालांकि मेरा तुक्का था वो, मैं फिर बता रहा हूँ। आप कहेंगे सर आप खुद अपनी मतलब के क्यों बता रहे हो अंदर के रात, नहीं दोस्तों कोई बुराई नहीं है। देखो शार्दुल मैंने तुक्के से लिया था, लेकिन साकिब मैंने देख के लिया था, वो उसका रिकॉर्ड मुझे पता था, तो आप देख सकते हो दोस्तों, है ना। कृष्णा भी मैंने देख के लिया था, वो नहीं चला, वो मेरी किस्मत खराब है उस दिन, है ना। मेहंदी तो सब लेते हैं इसको, तो आगे बात करते हैं। ये मैंने बिल्कुल देख के लिया था, दुनित वेला लागे, हालांकि उस समय सब इनको जानते थे, लेकिन जब मैंने लिया था तब इसे कोई नहीं जानता था। ये देखिए वेला लागे, अपना VC असलंका, इन दोनों को कोई ले तक नहीं रहा था। शायद असलंका को केवल 17% लोगों ने लिया था, मेरी टीम में था वेला लागे, VC था, कैप्टन अपना कुलदीप था, हमें डरने की क्या ज़रूरत है। माशाल्लाह हम तो लैंड स्लाइड से भी ऊपर की स्लाइड पर आ गए थे दोस्तों, है ना। अब आप कहेंगे सर इतनी अच्छी टीम कहाँ पर मिलती है? दोस्तों इतनी अच्छी टीम आपको मिलती है हमारे YouTube और हमारे Telegram पे, है ना। और वो टीम प्राप्त करने के बाद जब आप विनिंग करते हो तो आपके भी ऐसे ही कमेंट्स आते हैं, है ना। और दोस्तों एक लकी ऑफर है, ऑफर आपको थोड़े दिन में पता लगेगा, मैंने अभी अभी अंदर से पता करवाया है। क्या पता करवाया है? यहाँ पे प्रमोशन नहीं लगा, मैं आपको वर्बली बता दूंगा, टेलीग्राम पे बता दूंगा, हमारा कंप्यूटर वम्प्यूटर डेमो वर्बल लगाना भूल गया। ऑफर पता क्या है, ध्यान से सुनना। iPhone 15 जो शाम को लॉन्च हुआ है दोस्तों, कल शाम को 22 तारीख को माई मास्टर 11 पे, वो आप जीत सकते हो अगर आप एक दिन में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट करते हो, ठीक है। मान लीजिए सबसे ज़्यादा डिपॉजिट 3 लाख रुपया गया, 3-4 बार ये पोस्ट करते हैं कि इतना डिपॉजिट हाईएस्ट जा चुका है, ठीक है। तो अगर आप 3-4 लाख डिपॉजिट करते हो, ठीक है, तो एक तो 1 लाख रुपये का फ्री का आपका आईफोन आ जाएगा, है ना। और दूसरा वो 3 लाख आप यूज़ भी तो कर पाओगे, खेल के यूज़ कर पाओगे। किस्मत अच्छी हुई थी 3 का 6 भी बन जाएगा, किस्मत खराब भी हुई 3 का 2.5 भी बन गया, फिर भी 50,000 में आईफोन आ गया यार, थोड़ा सोचो। वैसे इतनी ख़राब किस्मत होगी नहीं क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो। तो माई मास्टर 11 पे जो 4-5 लाख आप डिपॉजिट करोगे वो फ्री में आप यूज़ भी कर पाओगे, और रियल कैश भी है, शायद 10% रियल कैश भी उसके ऊपर मिलेगा, यानी आप विनिंग उसका जो मर्जी कर सकते हो, उसका बोनस नहीं है, वो रियल कैश है। और दूसरी तरफ फ़ोन आई वाला फ़ोन दोस्तों, ऑरेंज एप्पल नहीं, एप्पल। तो ये देखिए दोस्तों, भाई आपकी टीम से 55,000 जीत गया, आपके जैसा एक्यूरेट प्रेडिक्शन देने वाला कोई नहीं है सर। आपका वीडियोस मैं पूरा देखता हूँ, कुछ भी स्किप नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसने लिखी है ना।
अगर दोस्तों आप स्किप करोगे तो 49 लगाए हैं, 49 ही मिलेंगे। स्किप नहीं करोगे 49 लगाए हैं, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 1500, 20 हज़ार, 4 हज़ार, जितना मर्जी आप जीत सकते हो, है ना, लाखों भी जीत सकते हो। ये बंदा 2 लाख जीत के गया दोस्तों मेरी टीम से, ये बंदा 19 हज़ार जीत गया। पूरा कमेंट क्या है, वाह मज़ा आ गया आपकी टेलीग्राम वाली टीम, ओहो हो क्या बात है सर, आप भगवान हो, मैंने फर्स्ट T20 में आपकी टीम लगाकर थर्ड रैंक आया, क्या बात है क्या बात है, 10-15 हज़ार जीत रहा है दोस्तों। टेलीग्राम और यूट्यूब तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये दोस्तों, ओह इसने फोटो भी लगा दिया, मैं इतनी मेहनत वैसे ही कर रहा था, बंदे ने फोटो लगाया हुआ है दोस्तों। तो ये फाइनल है दोस्तों, मतलब 865 लगभग 100 पॉइंट से मैं जीता हूँ, 100 से भी ज़्यादा से जीता हूँ शायद, पता नहीं। अब ये टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा यार बताओ, मुझे भी बताओ। अरे बताओ, अरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो। अब देखिए, अब दोस्तों आपका थोड़ा सा ना मन खुश हो जाएगा, क्यों, जिस ग्राउंड का ना एवरेज स्कोर ही 300 से ऊपर है वो क्या करेगा स्कोर, हॉलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर, वहाँ पे बारिश बुरिश की भी कोई टेंशन नहीं आ रहा कि आपको आगे बारिश का भी पता लग जाएगा, लेकिन जिस ग्राउंड का एवरेज स्कोर ही 300 से ऊपर है वो ग्राउंड कहर मचा सकता है। भारत ने यहाँ पे 418 रन बनाए हैं, और लोएस्ट ही जिसका 225 है, तो समझ सकते हो वो भी एक तगड़ी टीम ने बनाया, साउथ अफ्रीका मैच विनिंग टीम है। तो मुझे भी लिखना पड़ा नीचे पिच के एनालिसिस में बैटिंग फ्रेंडली, अरे यार जिसका एवरेज ही 300 से ऊपर है तो मैं क्या लिखूं, ठीक है। अब देखिए टोटल मैचेस हुए हैं 6, 4 बैटिंग फर्स्ट वाली जीती है, 2 बैटिंग सेकंड वाली जीती है। तो बैटिंग फर्स्ट पर एडवांटेज, एडवांटेज क्यों है दोस्तों, जब दिख रहा होता है ना सामने पहाड़ 400 रन का, 350 रन का, तो नेचुरली कोलैप्स हो जाता है ना, इस वजह से दोस्तों, इस वजह से बैटिंग फर्स्ट वाली टीम मैचेस ज़्यादा जीती है। ये देखिए ये जो मैच हुआ था रिसेंटली, 24 जनवरी को मैच हुआ था, भारत 385 मार के गया था यहाँ पे, और टॉप ऑर्डर ने कहर ढा दिया था दोनों ने ही, रोहित शर्मा ने भी और अपना क्या नाम है इनका शुभमन गिल ने भी, विराट कोहली ने भी, और नीचे जाते जाते हार्दिक पांड्या भी हाथ हाथ साफ करके गए थे, और विकेट्स तो डेथ में डफी को ही मिले थे दोस्तों, और टिकनर तो पेसर को, मतलब डेथ में ही विकेट मिलेंगे दोस्तों, आप लगा लीजिए विकेट्स केवल डेथ में गिरेंगे क्योंकि बैटिंग पैराडाइज है। तो मैक्सिमम आपको बैट्समैन लेने हैं, वो भी आपको चूज करना आना चाहिए कौन सा बंदा शतक लगाएगा, दो दो शतक एटलीस्ट दोनों टीमों से लग सकते हैं, एक टीम से तो 2 पक्का लगेंगे, सेकंड इनिंग में कोलैप्स ज़्यादा भी हो सकता है। अब देखिए जो बैटिंग आई दूसरी टीम की, आते समय ही इनका स्टार ऑलराउंडर, ऑलराउंडर बोल गया, ओपनर 0 पे बाहर चले गए। डेवन कॉनवे ने अच्छी इनिंग्स खेली, निकॉल्स ने साथ दिया, लेकिन उसके बाद साथ खत्म हो गया इनका, कोई साथ नहीं दे सका इनका, थोड़े से सेंटनर ने हाथ दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब यहाँ पे स्पिनर्स का भी रोल आएगा, है ना, क्योंकि जो बड़ा स्कोर होता है तो विकेट स्पिनर ही लेते हैं। तो सेकंड इनिंग्स में देख लीजिए कुलदीप यादव और चहल चल रहे होंगे पूरे जोरों शोरों से, और ये अगला स्पिनर शार्दुल भी स्पिनर ही मानता हूँ दोस्तों मैं तो, शुरू शुरू में पेस करते हैं, फिर तो ये अपना इतने वेरिएशंस करते हैं कि बंदे को समझ ही नहीं आते, ये इतना पुराना देखने का फायदा नहीं है दोस्तों, ये कोई देखने का फायदा नहीं है, ये बहुत मतलब 6 साल पुराना यार, मैदान की मिट्टी तक चेंज हो चुकी है। तो ये देखिए द पिच एट होल्कर क्रिकेट स्टेडियम इज नॉन फॉर हाई स्कोरिंग मैचेस, लेकिन एक और बात पता चल रही है यहाँ से दोस्तों, मैचेस कम होते हैं, ये देखिए ना मैचेस बहुत कम होते हैं यहाँ पे, वेयर बैटर्स कैन प्ले बिग इनिंग्स, ओके द स्पिनर्स विल डोमिनेट इन द सेकेंड इनिंग, लिखना पड़ा यार सेकेंड इनिंग्स मुझे, क्यों 400 रन का पहाड़ है कैसे उतरेगा, वो साउथ अफ्रीका थी जो मार गई थी दोस्तों, 434 भी चेज कर लिया था उन्होंने, वेयर द एवरेज 321 के आसपास की है। वेदर, वेदर दोस्तों बिल्कुल क्लियर है, टेंशन मत लीजिए, हल्की सी थोड़ी भूर भार सी आ सकती है, कोई ओवर नहीं कटेगा, कोई ब्रेक नहीं डलेगा, कुछ नहीं, मैक्सिमम कोई 10-12 मिनट का ब्रेक डल गया अदरवाइज कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो भी टीम टॉस जीतेगी बैटिंग करेगी, मज़े लेगी, 3-4, 8-10 शतक लगाएगी, मज़ा आ जाएगा। आगे देखते हैं, विकेट का फोटो कोई ला के दे सकता है आपको, मुझे बताइए, कोई नहीं ला के दे सकता, UDCR आपको लेके आते हैं और 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ मैं डेली 1000 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ, लेकिन मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा। अब चाहे आप अच्छा समझे बुरा समझे, लेकिन YouTube मेरी वीडियो रैंक नहीं कर रहा, जबकि इतनी तगड़ी मैं वीडियो बना रहा हूँ, विनिंग टीम दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, 1 सेडेड पे क्लीन स्वीप वाली टीम दे रहा हूँ, तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना, आपके 1000 लाइक्स जल्दी पूरे होंगे। और कमेंट दोस्तों, जो भी बंदा कमेंट करेगा मैं खुद से रिप्लाई करूँगा, फिर बता रहा हूँ आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं आप पूछ लीजिए, आपको रिप्लाई 101% मिलेगा, कोई मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई नहीं करेगा, मैं खुद रिप्लाई करूँगा। हमारा 10 बंदों का स्टाफ है, 2 बंदे हमने कमेंट्स के लिए रखे हुए हैं, लेकिन वो और काम भी करेगा, कमेंट कम आ रहे हैं, है ना, तो एक बंदा फिलहाल वहाँ पे डिप्यूटेड है, लेकिन वो काम नहीं करेगा, मैं खुद करूँगा, जो बंदा कोई आज मैंने उसको बोल दिया तो किसी और काम में लग जा, कमेंट्स मैं खुद रिप्लाई करूँगा। ग्राउंड देखिए कितना अच्छा है दोस्तों, ओए होए होए होए, दिल खुश हो जाता है इसकी ये फोटोज देख के। मैचेस देखिए दोस्तों,
ऑस्ट्रेलिया और भारत में जिंदगी भर 147 मैच हुए हैं, जिसमें 55 मैच भारत जीता है और 82 मैच ऑस्ट्रेलिया जीता। नेचुरली दोस्तों, पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत तगड़ी थी, लेकिन लेकिन अगर बात करें 2019 के बाद, तो ये देखिए आ गया कारवा बराबर। अब ऑस्ट्रेलिया में वो दम नहीं रहा, जबकि भारत डे बाय डे विराट कोहली एरा जब से आया है बहुत तगड़ी टीम बन गई है ना। फिटनेस लेवल ही अलग चला गया है भारत का, है ना। पहले होता क्या था, 3-4 प्लेयर बेचारे लगे रहते, सचिन अकेले बेचारे लगे रहते, उनका पूरा दम निकल जाता था, लेकिन अब अकेला बंदा क्या करेगा, ऐसे ही वो लेजेंड नहीं बने दोस्तों। सचिन को वो गॉड ऑफ क्रिकेट ऐसे नहीं कहते, वो बंदा उस समय में चला जब कोई नहीं चलता था। सुनील गावस्कर जी उस समय में चले जब कोई नहीं चलता था, राइट। तो यहाँ पे देखिए 10 मैच 5-5 बिल्कुल बराबर है। कुछ अपडेट्स रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों, ये सब जो मैच है दोस्तों रेस्टेड है। पहले 2 ODI के लिए आपको पता लग चुका है, राहुल लीड कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर भी अवेलेबल हैं, अश्विन भी अवेलेबल हैं। और दूसरी तरफ भी ये मतलब अपडेट आप खुद नोट कर लीजिए यार, ये छोटी मोटी अपडेट मैं नहीं बता सकता अभी, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायरेक्टली आगे चलते हैं, वीडियो देखिए कितने मिनट की, ज़्यादा लंबी नहीं वीडियो बनानी ना, बिना तंग हो जाओगे। तो 11 की हुई है दोस्तों, 11 की लगभग और जाएगी, कोई ज़्यादा की बड़ी बनेगी नहीं। इस वीडियो की मदद से जब इतना बड़ी भी नहीं करोगे वैसे ही खुश हो जाओगे आप, है ना। प्लेइंग 11। अब दोस्तों रीस नहीं करनी। अब आप कहोगे सर रीस मतलब नकल, नकल नहीं करनी, नकल क्यों नहीं करनी। मोहम्मद शमी पहले मैच में 5 विकेट लेके गया और आपने लिया नहीं था, है ना। तो आप सबक सीख रहे हो और ले रहे हो। नहीं दोस्तों, ज़रूरी नहीं है जो कल हुआ वो आज भी होगा, है ना। अरे यार ऐसा थोड़ी है कि कंप्यूटर फिट है, कल 5 विकेट आज भी 5 हो जाएंगी। यार थोड़ा तो समझो, कॉपी नहीं करना, इतिहास दोहराएगा नहीं, ठीक है। ले जाए बात अलग है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं लेके जा सकता, लेके जा सकता है, लेकिन क्या आप 100% श्योर हो कि लेके जाएगा। अगर पिछले में हो गया तो इसे क्या सचिन पहले में शतक मार के दूसरे में मार सकता है, यहाँ मैं श्योर हूँ वो मार सकता है, वो भगवान है यार। नहीं ऐसा नहीं बात नहीं, ठीक है। तो सोचिए दोस्तों, थोड़ा सा माइंड लगाइए, इस बार कोई और प्लेयर को चांस दीजिए। यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ का शतक मुझे दिख रहा है, शुभमन गिल है, सूर्य का मुझे शतक दिख रहा है, एक और शतक क्या मुझे 300 दिख रहे हैं, इसके देखने से भी बन जाते हैं ना, थोड़ा ध्यान रखिए। श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, लोकेश राहुल और अपना रविंद्र जाडेजा, रवि अश्विन, चंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, फॉर्म देखिए लास्ट 2 मैचेस का बंदेगा, 58 रन और 71 रन का इनका रिकॉर्ड है टीम के अगेंस्ट। शुभमन गिल की तो क्या बात करें यार, मतलब बंदा अलग ही लेवल में चल रहा है। तो सूर्य कुमार यादव पिछले मैच में 50 रन की पारी इनके बल्ले से भी आई। नहीं दोस्तों, इस फॉर्म के साथ अय्यर को टीम में नहीं लिया जा सकता, हालांकि पिछले मैच में दुर्भाग्यवश ये रन आउट हो गए थे। ईशान किशन नहीं दोस्तों, लोकेश राहुल ये बंदा इनफॉर्म है, ये प्योरली इनफॉर्म है प्लेयर, आप ले सकते हो टीम में। रविंद्र जडेजा थोड़ा सा रिस्की है, अब आप सर रिस्की कैसे है बताऊंगा। रविचंद्रन चंद्रन चंद्रन अश्विन, चंद्रयान याद आ गया मुझे, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। हालांकि मेरे पास कोई अपडेट नहीं है दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ज़रूर गूगल करके बताना मुझे, ये आपको पता है तो ऐसे ही बताना, अगर कोई हैदराबाद से उससे ज़्यादा नॉलेज होगी। ये बोल रहे थे चंद्रयान वाले कि 22 की जगह 23 को अब रोवर को और लैंडर को एक्टिवेट करेंगे, तो क्या वो एक्टिवेट हो चुका है, मतलब सिग्नल क्या उससे स्थापित किया जा चुका है। मुझे मेरे पास अपडेट अभी तक कोई आई नहीं है, तो अगर किसी के पास अपडेट है तो मुझे ज़रूर बताना कि बोल रहे थे 22 की जगह 23 को ये अपना एक्टिवेट करेंगे, बैटरी फुल चार्ज हो चुका है, 19 तारीख को सूरज उदय हो चुका था वहाँ पे, तो क्या रोवर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर एक्टिवेट हो चुका है, मुझे ज़रूर बताना टेलीग्राम पे और यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट करके। शार्दुल ठाकुर बाद में बताएंगे इसके बारे में। शामी 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 दोस्तों एक बात बोलूं, यदि आप फर्स्ट इनिंग्स में बॉलर्स ले रहे हो ना भारत के, तो केवल दोनों पेसर लेने हैं, यानी कि डेथ बॉलर शामी और बुमराह। यदि आप सेकेंड इनिंग्स में भारत की बॉलिंग ले रहे हो, तो आपकी टीम में दोनों स्पिनर यानी कि जड्डू और रविचंद्रन अश्विन और दोनों पेसर शार्दुल, आपकी मर्जी लेना कि लेना, क्योंकि 5 तो ले नहीं सकते ना, मतलब सारी फिर भारत की बॉलिंग हो जाएगी, तो मिनिमम 4 बॉलर आपको भारत के लेने, जिनमें स्पिनर जरूर इंक्लूड करने हैं, क्योंकि उनकी धुलाई भी होगी और वो विकेट भी लेके जाएंगे।
बॉलिंग सन्नैरियो भारत का मतलब कैसे चलेगा? ओपनिंग करेंगे बुमराह और शमी, शार्दुल में वन चेंज में शार्दुल ठाकुर आएंगे। मिडिल ओवर्स, जड्डू और अश्विन मिडिल ओवर्स करेंगे, इनका साथ देने आएंगे शार्दुल ठाकुर। डेथ ओवर्स करेंगे शार्दुल, जसप्रीत और शमी। शमी और बुमराह स्पेशलिस्ट हैं डेथ बॉलिंग में, लेकिन शार्दुल कटर्स वगैरह या नकल बॉल की वजह से डेथ बॉलिंग अच्छी करते हैं। डेट्स वाई वो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा भी है, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं वो। ईशान किशन, प्लेयर बैटल में बात करें, मार्कस टॉइनिस ने भी तंग किया इनको, पैट कमिंस ने भी तंग किया, यानी कि दोनों प्लेयर ने इन्हें तंग किया जो हमारी टीम में रहने वाले हैं। शुभमन गिल, इनको भी तंग किया है स्टार्क ने और जैम्पा ने, लेकिन स्टार्क इंजर्ड है, राइट। सूर्या कुमार यादव, स्टार्क ने इनको भी तंग किया है, स्टार्क ने नीचे अय्यर को भी तंग किया, यार मतलब सबको तंग किया है इन्होंने। लोकेश राहुल, स्टार्क ने इन दोनों को तंग किया है, लेकिन जड्डू ने इनकी धुलाई अच्छी खास। ओह, स्टार्क ने राहुल को नहीं, राहुल ने स्टार्क को तंग किया है यार, लेकिन जैम्पा ने इनको तंग जरूर किया है, चार बार आउट किया जैम्पा ने इनको, है ना। जैम्पा ने जड्डू को भी तीन बार आउट किया है, क्या बात है, क्या बात है, कल भी वो विकेट से लेके गया था बंदा। गायकवाड को भी जैम्पा ने बाहर किया है। अब बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 की, ऑस्ट्रेलिया की साइड से क्या रह सकती है। स्टार्क अवेलेबल हो चुके हैं दोस्तों, डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ओपनिंग करेंगे, स्टीव स्मिथ और मार्कस लमुशानी दोस्तों अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, जॉस इंग्लिश ने अपनी फॉर्म दिखाई दोस्तों, मार्कस टॉइनिस एज ए सिक्स या सेवन्थ बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे टीम के लिए, ग्लेन मैक्सवेल भी अवेलेबल हो चुके हैं। तो बात करते हैं अभी बॉलिंग की, तो बॉलिंग दोस्तों स्टार्क के आने से टीम में बहुत जान आ जाएगी, इनके साथ देंगे पैट कमिंस और सीन एबट, सीन एबट अच्छे बॉलर हैं लेकिन उतनी फास्ट नहीं फेंक सकते जितनी कमिंस और स्टार्क करते हैं। एडम जैम्पा के साथ निभाएंगे ग्लेन मैक्सवेल, और ज़रूरत पड़ी तो मिचेल मार्श भी एज एन ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे टीम में बॉलर के रूप में। बात करें पिछले मैच में डेविड वार्नर की 52 रन की अच्छी पारी है, इनके अलावा भी इनकी दो इनिंग्स अच्छी आ रही हैं, लगभग शतक के करीब 78 रन और एक शतकीय पारी 106 रन की इन्होंने खेली, और टीम के अगेंस्ट भी इनका अच्छा रिकॉर्ड है, 23 मैचों में 1050 रन है 50 की एवरेज से, तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। मिचेल मार्श का रिकॉर्ड, वैसे तो वो ये कैप्टन प्लेयर है लेकिन पिछले मैच में मुझे बहुत खुशी हुई जब ये आउट हुआ, मैंने नहीं मनाया था इनको, लैंडस्लाइड विक्ट्री बैक करके गया दोस्तों। याद आ गई एक बात, वो एसी मैंने 4 डिग्री ही बढ़ाया था, जिन जिन लोगों का कमेंट आया था उन्होंने 4 ही लिखा था, और मैंने खुद रीड आउट भी किया था, मुझे काफ़ी खुशी हुई कि लोग गिनते हैं। तो दोबारा खेलेंगे एक गेम, तो अब देखते हैं दोस्तों मैं कितने डिग्री ज़्यादा करूँगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, माइक के बिल्कुल क्लोज कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपने काउंट कर लिया होगा कितनी बार मैंने टेम्परेचर ज़्यादा किया है। स्टीव स्मिथ 56 का एवरेज दोस्तों, पिछले मैच में 63 रन दोस्तों, सॉरी 63 नहीं, वेन्यू पर 63 रन, पिछले मैच में 41 रन की एक अच्छी इनिंग्स आई। मार्नस लामुशाने, लामुशाने की इनिंग्स देखिए 39, 44, 124 भी है एक। जॉश इंग्लिश, इंग्लिश की बात करें वीडियो कितना हो चुका है एक बार चेक करते हैं, 18 का ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ दोस्तों। तो जॉश इंग्लिश की अगर हम बात करें, काफ़ी तगड़े प्लेयर हैं, पिछले मैच में 45 रन की एक अच्छी इनिंग्स भी उनके बल्ले से देखने को मिली, जो मतलब कि मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी कि यार इतना तगड़ा प्लेयर है ये, हालांकि ओपनर है ये। मार्कस है ये, तो मार्कस टॉइनिस रिसेंट की बात करें 29, 18, 10, 17, 37, कुछ खास तो नहीं है यार, ना 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 ना, अभी नहीं लेंगे दोस्तों। ग्लेन मैक्सवेल दोस्तों भारत के अगेंस्ट इसको खेलने का बहुत तगड़ा अनुभव है, मैं बता रहा हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है इसके, जो भारत के अगेंस्ट खेलता है अच्छा खेलता है ये बंदा। स्टॉइनिस भी अच्छा खेलते हैं भारत के अगेंस्ट। पैट कमिंस ये नॉर्मल प्लेयर है, ले भी सकते नहीं भी लेते, हालांकि विकेट्स देख के दिल आपका कर रहा होगा लेने का, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ इंदौर होलकर क्रिकेट स्टेडियम बैटिंग पैराडाइज, और बैट्समैन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपकी टीम में। शुभमन गिल जैसे स्टार्स अवेलेबल है, सूर्य कुमार यादव जैसे स्टार्स अवेलेबल है, उनको लेना है पहले। दूसरी टीम से वार्नर है आपके पास, मिचेल मार्श हैं, स्टीव स्मिथ हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, फैफ फोर वाले प्लेयर हैं, अपना सीन एबट ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, बॉलर्स के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहा, स्टार्क के ऊपर फिर भी ध्यान दे रहा हूँ, हालांकि मुझे दिख रहा है सूर्य कुमार यादव इनकी बुरे तरीके से धुलाई कर रहे हैं, तो इनको भी थोड़ा सा डर ज़रूर होगा मिस्टर 360 से, छोटे वाले जूनियर। जैम्पा 2 विकेट 3 विकेट, मुझे इनकी 2 विकेट दिख रही हैं दोस्तों, अगर सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग आई तो।
स्टार्टिंग के ओवर्स की बात करें, स्टार्क कमिंस और एबट करेंगे। स्टॉनिस का नाम ऐसे ही मैंने लिख दिया लेकिन वो करेंगे नहीं, ही इज़ अ डेथ बॉलर, वो डेथ बॉलिंग करेंगे। मिडल ओवर्स की बात करें तो एबट, मैक्सवेल और जैम्पा लगभग स्पिनर्स करेंगे, एक केवल एबट पेसर हैं और लगता नहीं कि मुझे से एबट शायद मिडल ओवर्स में करेंगे। डेथ बॉलिंग की बात करें तो स्टॉनिस, सीन, एबट, स्टार्क और पैट कमिंस चारों ला मिला के करेंगे। 50वां ओवर स्टॉनिस करेंगे। प्लेयर बैटल की बात करें तो शमी ने तंग किया इनको दोस्तों, 98 बॉलों में 3 बार आउट किया है। जड्डू ने तंग नहीं किया दोस्तों, जड्डू मतलब 122 बॉलों में केवल, हालांकि पिछले मैच में तंग किया था। मिचल मार्श, तो मिचल मार्श की बात करें दोस्तों, केवल शमी ने तंग किया इनको। स्टीव स्मिथ, शमी ने इनको मतलब कि दिमाग का भुजिया बना रखा है, इनके 4 बार आउट कर चुके हैं इनको, है ना। और आप लगाइए मारना सलामू शाह ने, जड्डू ने 2 बार आउट किया, अच्छा रिकॉर्ड है। अश्विन ने 1 बार आउट किया है, बुमराह ने भी 1 बार आउट किया। इंग्लिश, बुमराह ने आउट किया इनको 13 बॉल में 11 रन पे। शमी ने इनको भी तंग किया हुआ है, 79 बॉल्स में 2 बार आउट किया दोस्तों। बुमराह 1 बार आउट किया लेकिन अच्छा है, 74 बॉल में केवल 41 रन। मैक्सवेल दोस्तों, मैक्सवेल की जब हम बात करते हैं तो 86, अरे अरे अरे, शमी ने इनको भी तंग किया हुआ है, 3 बार आउट किया है। अश्विन ने भी 3 बार आउट किया इनको, यार मतलब इनकी हालत अभी क्या बोले। बात करते हैं प्राइम प्लेयर्स की। ऋतुराज गायकवाड पिछले मैच के अर्धशतक वाले प्लेयर, शुभमन गिल अर्धशतक वाले प्लेयर, श्रेयस अय्यर इनफॉर्म दुर्भाग्यवश रन आउट होने वाले प्लेयर, लोकेश राहुल अच्छे प्लेयर हैं, सूर्य को ऐड नहीं किया, रीज़न आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में, रविंद्र जाडेजा टेलीग्राम पे पता लगेगा, व्हाट्सएप भी हाला हाँ हमारा चैनल अभी, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम प्लेयर्स की बात करें, सबसे नीचे स्टार्क दिख रहा होगा, जैम्पा दिख रहा होगा, ये जो स्टार प्लेयर हैं, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श का मैंने नाम तक नहीं लिखा, रीज़न भी इसका आपको टेलीग्राम पे ही पता लगेगा, मार्नस, लामू शाने, स्टॉइनिस, ग्लेन मैक्सवेल। अगर भारत पहले बैटिंग करता है तो टीम क्या रहेगी, दूसरी टीम पहले बैटिंग करती है तो टीम क्या रहेगी, ध्यान से सुनना, इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। ये देखिए, भारत की पहले बैटिंग आई, दोनों ओपनर आ गए टीम में, गायकवाड़ भी आ गया, गिल भी आ गया, है ना। उसके बाद मिडल ऑर्डर नहीं आया, केवल चौथे या पाँचवें वाला राहुल और जड्डू आ गया। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों शतक लगाएंगे तो बीच वाले 2-3 बंदे कोलैप्स करते हैं और फिर फिनिशिंग टचेस ये दोनों देंगे, ठीक है। और जैसे ही भारत की बॉलिंग आएगी तो आप देख लीजिए, एक स्पिनर आ गया जो कैप्टन बनाया मैंने, मैंने बोला ना सेकंड इनिंग में कोलैप्स होगा, और बुमराह और शमी दोनों पेसर्स मैंने रख लिए, और ऑस्ट्रेलिया की बाद में बैटिंग आएगी तो इसका केवल एक ओपनर और एक फिर वन डाउन और सीधा फिर मैं बॉलिंग पे चला गया इनकी, जो डेथ बॉलिंग करेंगे, तीनों डेथ बॉलिंग, मैंने बोला डेथ में विकेट गिरेंगी, तो मैं अपनी टीम के साथ जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जब मुझे पता लगता है ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया का फिर केवल मैंने एक ओपनर लिया है, मिचेल मार्श अभी मैंने नहीं लिया, और साथ में मैंने लिया स्टीव स्मिथ को और मैक्सवेल को, यहाँ पे मैंने मैक्सवेल को ले लिया क्योंकि बैटिंग विकेट है, और भारत के मैंने केवल जो डेथ बॉलिंग करेंगे वो प्लेयर मैंने रखे हैं, देखो बुमराह आ गए, शमी आ गया और ठाकुर आ गया, जड्डू टीम में क्यों है वो आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। अब जब आई भारत की बाद में बैटिंग है, तो भारत की दोस्तों बाद में बैटिंग है तो भारत के देखो केवल एक टॉप ऑर्डर का प्लेयर है मेरे पास, उसके बाद सीधा मेरे पास लोअर ऑर्डर है, यहाँ भी जड्डू था, यहाँ भी जड्डू लोअर ऑर्डर की वजह से मेरे पास है, और यहाँ पे राहुल आ गया, और इसके फिर मैंने 3 बॉलर रखे, स्पिनर ले लिया, इसके पहले स्पिनर नहीं था मेरे पास, ग्लेन मैक्सवेल भी ले लिया, जैम्पा भी ले लिया और पैट कमिंस भी ले लिया, है ना। अब ये टीम फाइनल नहीं है, फाइनल टीम मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम डाउनलोड ज़रूर करिए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर। धन्यवाद।